आप iOS और इसके बाद बैकअप और बैकअप के बाद ना इंस्टॉलेशन, ये है पॉइंट नंबर वन। टास्क हम पहले ये करेंगे, फिर हमने ये वाला टास्क करना है, फिर हमने ये वाला टास्क। तो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा है? डिलीशन ऑफ iOS फ्रॉम राउटर। हमने पहले बैकअप लेना है कि वो हमारे साथ स्टोर्ड हो, फिर डिलीट करना है, फिर बूट करके वही इंस्टॉल करना है। अच्छा, इंस्टॉलेशन के लिए एक मशहूर सर्वर है जिसका नाम है क्या? TFTP, ट्रेवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि है ये कौन सा? UDP बेस्ड। और आप लोगों ने क्या करना है, अगर पैकेट ट्रेसर में करना है तो भी आसान है, पैकेट ट्रेसर में नहीं करना, रियल डिवाइसेस पे आप लोगों ने करना है तो आप लोगों ने जाके TFTP डाउनलोड कर देना है, ठीक है। और TFTP सर्वर क्या होगा कि आपका राउटर यहाँ पे मौजूद है, लेट से ये कनेक्ट होगा उसी सर्वर के साथ। अच्छा, ये मैंने PC डिज़ाइन किया है तो इसके लिए कोई सर्वर तो वो बड़ा वाला नहीं होता जो बाहर वहाँ पे वो UPS के साथ मौजूद है, तो इसके लिए हमें कोई अलग हार्डवेयर की वो ज़रूरत नहीं है। हम TFTP ये वाला जो PC है आप लोगों का, इसी पे भी आप लोग बैकअप ले सकते हैं और ये भी TFTP सर्वर ही एक्ट करेगा। किस तरह से? आप लोगों ने TFTP डाउनलोड किया होगा, ये भी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके TFTP को इंस्टॉल कर देना, और इंस्टॉल करने के बाद ये इसके लिए क्या है? एक टेजन सर्वर, ठीक है। बिल्कुल डिस्प्ले पे इंस्टॉल हो जाएगा, अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा कि आप लोगों ने डाउनलोड किस तरह से करना है। और ये एक SolarWinds बेस्ड एप्लीकेशन है, TFTP या प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप, ठीक है। तो करना किस तरह से है, अभी ना इस दफ़ा मैंने ये करना है कि टपालू जिस तरह से होगी, यहाँ पे मेरा होगा एक राउटर, ये कनेक्ट होगा हब के साथ, और यहाँ पे होगा एक सर्वर है ना, मैं अलग से सर्वर दे दिया, ठीक है। और इसके साथ मैं PCB कनेक्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना एक IP एड्रेस है 10.0.0.1, यहाँ पे है 10.0.0.2, और यहाँ पे है 10.0.0.3। अच्छा, मैंने हब क्यों लिया? हब तो हमने कहा था हब तो ख़त्म हो गया है मार्केट से, तो यहाँ पे हब के लिए कोई स्पेशल केस है या क्या मसला है? या हमने हब ही नहीं, देख लो स्विच में ना, अगर मैं यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ तो ये जो पोर्ट्स हैं स्विच के पोर्ट्स 30 सेकंड बाद, हर 30 सेकंड बाद वो क्या आते हैं? फॉरवर्डिंग। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें बड़ा लॉजिक है कि क्यों 15 सेकंड, 30 सेकंड में वो 15 सेकंड का वो एक्सप्लेनेशन है कि पोर्ट पहले किस स्टेट में जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है उसके साथ। तो वो उससे बचने के लिए मैंने आज यहाँ पे हब यूज़ किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बैकअप ले लूँगा, इसी सर्वर पे स्टोर कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से डिलीट करके और यहाँ से मैं फिर से बैकअप वापस वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दूँगा। तो ये किस तरह से होता है अभी देख रहे, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते। देख लो स्विच जल्दी फॉरवर्डिंग में नहीं आता, ठीक है। पहले वो चला जाता है लिसनिंग लर्निंग स्टेट में उनके पोर्ट्स, तो उसके वजह से यहाँ पे मैंने हब यूज़ किया, हब सीधा कनेक्ट करके फॉरवर्डिंग, ठीक है। वो 30 सेकंड बाद फॉरवर्डिंग में, अगर आपने स्विच यूज़ करना है तो भी स्विच यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी और को कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल बस कन्फ्यूजन का किस मसल को तो नहीं, उस पता नहीं, इस पर कम हो गई।
राउटर बैकअप अखलम कन दवा शांति अगर हज़ार राउटर भी हैं तो सेम इसी तरह से ही आप लोगों ने बैकअप लेनी होगी। ठीक है, अब ये यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप तो तब ज़रूरी होगा ना कि डिवाइसेस मल्टीपल हों, ठीक है, तो आपकी भी ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी ले लिया है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि नो इनेबल इंटरफेस गिग 0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 2.5.0.0.0 और नो शटडाउन। मैंने क्या किया कि आईपी असाइन किया है इंटरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर में आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम डेस्कटॉप पे आना है, आईपी कॉन्फ़िग पे आना है और फिर यहाँ पे 10.0.0.2 2.5.0.0.0 और 10.0.0.1 ये गेट वे, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से करना है कि पिंग 10.0.0.1 तो ये रीचेबल होनी चाहिए, जो कि रीचेबल है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि पिंग 10.0.0.2 और ये भी यहाँ से भी सर्वर रीचेबल है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर्ड होता है, फ्लैश में। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि शो फ्लैश, और शो फ्लैश के साथ ये जो डॉट बिन वाला फाइल है ना, ये वाला, ये वही सी मैंने आज 2900 सीरीज लिया है, C2900 यूनिवर्सल, ये क्या है, ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी TFTP कॉपी फ्लैश इनटू TFTP, फ्लैश को आपने कॉपी करना है TFTP, ठीक है ना, और इंटर। अच्छा यहाँ पे ज़रा देख लो, ये सर्वर पे आके ना ये सर्विसेज है डिफरेंट, HTTP का सर्विस भी यहाँ पे मौजूद है, DHCP का सर्विस भी, वर्जन 6 का, हमें ये वाला सर्विस चाहिए था, ठीक है ना, आज हमें ये वाला सर्विस चाहिए। DNS भी मौजूद है, सिसलॉग, AAA, NTP, ईमेल, FTP, IoT, VM मैनेजमेंट, रेडियस, EAP, तो ये डिफरेंट सर्विसेज मौजूद हैं, लेकिन आज के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ TFTP और आहिस्ता हम DHCP सर्विस हम फिर किस तरह से ले लेंगे कि हमने राउटर को DHCP सर्वर बनाना होगा, तो क्या बन जाता है। आप लोगों को ये हार्डवेयर वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा, स्विच से भी आप लोग DHCP सर्वर बना सकते हो, लेकिन TFTP सर्वर आप लोग नहीं बना सकते। आप लोगों को या तो कोई सिस्टम या अगर फिजिकल कोई और अलग सर्वर है हार्डवेयर, तो दोनों ठीक है। और आप लोग ना सिंपल जाके यहाँ पे आके सिंपल आप लोगों ने TFTP डाउनलोड, पासवर्ड ये आप लोगों ने आना है, ये ना सोलर वेंट का जो है,
ये आप लोगों ने ओपन करना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड फ्री टूल करना है। और ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया है, बस इसको आप लोगों ने किस तरह से करना है, ये लो। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, इंस्टॉल और बस इंस्टॉल हो गया है ये। अभी ना इस पीसी को मैं ये इस तरह से एक्ट करेगा ना कि ये TFTP सर्वर है। कहाँ पे है ये, वही IP यहाँ पे सेम, और वही जो राउटर आप लोगों का मौजूद होगा तो वही पे सेम सेम IP एड्रेस। ठीक, ये आपको कौन सी वाली IP है, वही लोकल होस्ट। मैंने क्या कहा था कि वो डिवाइस जो कि सेम टाइम पे वो सर्वर भी है और क्लाइंट भी खुद है, ये मैंने कहा था ना इस तरह से। तो यहाँ पे ये असाइन है, तो अभी हमने ना बैकअप लेना है जल्दी से। अच्छा, सोर्स फाइल नेम, सोर्स फाइल नेम कौन सा है जो जिस फाइल को आपने कॉपी करना है, तो सोर्स फाइल का नेम ये है, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर। अच्छा, पेस्ट आप लोगों ने इसलिए करना है कि यहाँ पे ना एक डॉट भी आप लोगों ने मिस किया तो आप लोगों की जो बैकअप है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एड्रेस आर नेम ऑफ रिमोट होस्ट, एड्रेस क्या है या नेम क्या है रिमोट होस्ट का। तो रिमोट होस्ट कौन है, रिमोट होस्ट एक होता है लोकल होस्ट जो खुद ब खुद होता है, एक है रिमोट होस्ट जो दूसरा वाला है आप लोगों का। और रिमोट होस्ट आप लोगों के लिए कौन सा है, 10.0.0.2, वही आप लोगों का TFTP सर्वर। ठीक है, ये मैंने एंटर किया है। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि नाम आपने ये वाला रखना है, यहाँ पे ये वाला जो नाम है, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कर दूंगा कि CCNA-NavTech.bin, क्या मुझे फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा, फिर मैंने खुद फिर से टाइप करना है। ठीक है, तो ये मैंने किया है और ये हो गया है आप लोगों का बैकअप। और ये कितना है, इतने बाइट्स का ये बैकअप था जो कि इतने टाइम में कंप्लीट हुआ है, लेकिन रियल राउटर पे अगर आप लोग लोगे तो वो बहुत टाइम लेगा, फिर 5 मिनट 4 मिनट, डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस किस तरह का है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने बैकअप ले लिया है। अब इसके बाद ना अगर मैं आ जाऊँ सर्वर पे, ठीक है ना, तो सर्वर पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे CCNA ये वाला नाम नज़र आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है ना, रिफ्रेश कर दो इसको, ये CCNA-NavTech.bin। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ से ना मैंने इसको डिलीट कर देना है। तो आप लोगों ने डिलीट किस तरह से करना होता है, डिलीट फ्लैश एंटर, डिलीट फाइल नेम, कौन सा फाइल आप लोगों ने डिलीट करना है, तो ये वाला कंफर्म है आपको। ठीक है, 3 दफा आप लोगों से पूछा गया है तो आप लोगों ने कहा बिल्कुल कंफर्म है। अब ये तो अब भी ठीक ठाक है क्योंकि क्योंकि रैम पे मौजूद है अभी भी। रिस्टार्ट करके देख लो, तो रिस्टार्ट में किस तरह से कर लेता हूँ कि मैंने कहा रीलोड कर दूँ, यस, ये देख लो, ये कौन सा मोड आ गया, लिखा क्या गया है, ज़रा इनको पढ़ दें, ये पढ़ दो ज़रा, ये यार ये वाला सिर्फ पढ़ लो बस। और मूड कौन सा है, मूड है रोम मूड। ठीक है ना, तो अब इसमें ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कमांड क्या है यहाँ पे कि
ओके, आप लोगों ने लिखना है TFTP और डाउनलोड, ठीक है, TFTP को डाउनलोड करना। तो ये मैंने इस तरह से किया है। यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मुझे कहा गया है कि वो कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो इसमें पहला पैरामीटर है IP एड्रेस, और यहाँ पे IP एड्रेस मैंने 1.2.3.4, ठीक है। फिर इसके बाद है सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क क्या है कि मैंने कहा है कि 255.0.0.0। फिर इसके बाद है डिफ़ॉल्ट गेटवे, TFTP सर्वर आप लोगों का है 10.0.0.2। बस ठीक करो रहे हो कभी इधर जगह तरफ नकाज हो गया, हम शुरू हो गए थे। हाँ, और TFTP फाइल नेम क्या है? तो TFTP फाइल नेम है CCNA NavTech.bin। अब इस चीज़ को समझो, दल तक हो रही हटो। ये ना IP एड्रेस आप लोग कोई भी दे सकते, ठीक है। इसमें ओपन हैंड सबनेट मास्क कोई भी, गेटवे क्या पे फिर कंडीशन है। अभी आप लोगों को ना यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे ये वाला जो सर्वर है और ये राउटर है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, या ये किसी इंटरनेट के थ्रू। मैंने ये कहा है कि आप लोगों का सर्वर है USA में और जो राउटर है वो है पाकिस्तान में, ये कहा है मैंने? बिल्कुल भी नहीं कहा है मैंने इस तरह से। दोनों यहाँ पे अगर मौजूद हैं तो आप लोग गेटवे भी रेंडमली कोई भी दे सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर सर्वर यहाँ पे है और आप लोगों का राउटर यहाँ पे है, डिफरेंट, और आप लोग कनेक्टेड हो किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड, तो फिर एग्जैक्ट IP एड्रेस, एग्जैक्ट गेटवे होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है कि ये वाला सर्वर IP और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम नेम है, ये तो हर हाल में चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे जिस तरह मर्जी के कनेक्टिविटी बनी हुई हो, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि ये एग्जैक्ट होनी चाहिए फिर, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, मेरे खबर क्लियर हुई। और इसको अभी आप लोगों ने क्या करना है, एंटर करके और फिर से वही TFTP डाउनलोड। आपसे पूछा गया है कि आप कंफर्म हो जो आपने दिया है ये ठीक ठाक है, तो मैंने कहा बिल्कुल यस कर दो और बस। और ये ना ये मसला है अभी, ये भी मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ख़त्म कर दो। क्या हाँ हाँ سبھی جدار سر پارا نہیں گورا تا چکم دغا کڑے ہوگا نا دا کنفیگریشن نو کتا دا بیک اپ اخ لیں نو کہ دیش چی آگا ہو ہر سلار شی دے ترازو دے وارننگ ترازو دا بل دینا بات چکم ٹاپک دے دم گا نا ہم بدے وارننگ پانجے دے دو گو ریدا ما ٹرمینیٹ کو گو جی دو گو دا آپریشن ٹرمینیٹڈ
मैंने लफ्ज भी कहा था कि टीएफटीपी इज यूडीपी बेस्ड। अगर ना यहाँ से इस तरह से डॉट्स स्टार्ट हो गए ना, या आप लोगों की वो जो बैकअप है, एक ये वाला निशान होगा, एक ये वाला होगा, अगर ये आ गया ना, बस आप लोग समझो कि आप लोगों का काम ख़राब है। कंप्लीट ये होना चाहिए फिर तो ठीक हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से फिर से स्टार्ट कर देता हूँ कि TFTP डाउनलोड अच्छा यहाँ पे ना TFTP डाउनलोड पहला ऑप्शन क्या है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस आप लोग कोई भी रेंडम लिख सकते हो, और इक्वल होना चाहिए तो 1110 किया है मैंने लेट से। फिर है सबनेट मास्क, सबनेट मास्क मैंने किया है 255000। फिर मैंने किया है डिफ़ॉल्ट गेटवे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे लेट्स से मैंने किया 1115। टी एफ टी पी आई पी 10002 तक है ना, और 10002 किया है मैंने ये। और जो फाइल नेम है वो क्या है, CCNA miftek.bin। यहाँ पे TFTP डाउनलोड यस। फिर से मसला, ठीक है हमारा क्या काम है, हमने फिर से रीसेट कर देना है, और यही फिर से TFTP डाउनलोड TFTP संग डॉट में इसलिए रहा है कि बैकअप ले ही नहीं रहा है ना। 10000 किया है मैंने लेट से, फिर किया है मैंने सबनेट मास्क, तो यहाँ पे 255000। फिर जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो लेट से हो गया 10000। अच्छा वैसे ना अगर हम देख लें तो वहाँ पे हमने 10 का नेटवर्क साइन किया है ना, और मैं आईपी में 1 दे रहा हूँ, तो रेंडमली होनी चाहिए, लेकिन नेटवर्क एटलीस्ट सेम होना चाहिए ना। और यहाँ पे मैंने किया है 10005, और जो TFTP सर्वर है वो ये हो गया, और TFTP सर्वर 10002, और TFTP फाइल, तो TFTP फाइल है आप लोगों का ये वाला, जो कि है CCNA-NIFTEC.BIN। और यहाँ से फिर से TFTP डाउनलोड ये कर दो, यस। सर डिल किराना है ना टोल टील, तो चलो अभी पता लग जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, रिसेट मीन रिस्टार्ट, तो एनेबल और शो आईपी इंटरफेस
तो आप लोग देख सकते हो कि आईपी एड्रेस वही है जिस आईपी को मैंने स्टार्ट में असाइन किया था, ठीक है ना। अब ना यहाँ पे आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अगर 10 नेटवर्क असाइन किया है तो आप लोग वहाँ पे 1 में इस तरह से दे रहा था ना कि 1.2.3.4, तो ये फिर नेटवर्क चेंज है ना, नेटवर्क एटलीस्ट सेम 10 का नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। 10 में आप लोग ये कर सकते हैं 10.1.2.3 ये कर दो, ठीक है, नेटवर्क सेम होना चाहिए। तो ये था आप लोगों का बैकअप, डिलीशन और इंस्टॉलेशन। अच्छा, तो आपने पूछा कि वो वार्निंग मैसेज क्यों आया? तो वो वार्निंग मैसेज इसलिए आया था कि हम ना बैकअप ले रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप। तो अभी ना इस राउटर के जगह पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसी और राउटर के भी, हम तो किसी भी राउटर से बैकअप ले लें, किसी भी राउटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह के विंडो 10 के अगर हम देख लें ना, विंडो 10 जो होती है हमारे साथ, तो वो इस तरह से नहीं होती कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पीसी के लिए है और हम किसी और पीसी पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से बैकअप लेके इसी पे भी कर सकता हूँ, उसी पे भी कर सकता हूँ, हर किसी का, हर कोई कर सकता है। जिस जिसके पास सेटअप होगा तो हर कोई इंस्टॉल कर सकता है। इसी तरह से राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कोई भी किसी भी राउटर पे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब ये कहा गया है कि अगर पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन हुई है और ये जो बैकअप आप इंस्टॉल कर रहे हो ये किसी और राउटर का है, तो कोई भी डिजास्टर आ सकता है और आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो डेटा में यही पे कोई वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस नहीं है, क्या है? आप लोगों ने प्रोटोकॉल चलाया था, वही रिप हो सकता है। आप लोगों ने कनेक्टिविटी बनाई थी, वही कनेक्टिविटी। आप लोगों ने पासवर्ड्स इनेबल की है, आप लोगों ने टेलनेट SSH किया है, तो वो कंप्लीट अगर ऑन है, इस तरह से हर एक चीज़ कंफिगर है, तो वो लॉस हो सकता है। तो फिर ये बात आती है कि अच्छा, ये तो बड़ा मसला बनेगा ना। अब देख लो, एक राउटर 10 साल से मौजूद है और आ गया है अपडेट, ठीक है, जिस तरह विंडो 7, 8, 10, 11, ठीक है, तो राउटर में भी अपडेट आ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अभी क्या हो? या चलो ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया है, तो फिर क्या होगा? और आपका राउटर 10 साल से मौजूद था, आपने 10 साल कॉन्फ़िगरेशन किया है उसी राउटर में, प्रोटोकॉल चलाया है, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है, हर एक एक चीज़ आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है, तो क्या वो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के लिए फिर से आसान? अच्छा, ये भी ज़बरदस्त बात है कि पहले नहीं था वही अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अब की कोई और आप लोगों में से एक बंदा आ गया है, उसी सीट पर वो बैठ गया है, तो उसके लिए वो आसान होगा कि वो जो जितना कॉन्फ़िगरेशन 10 साल में हुआ है वो एक दिन में करके दिखा दे कि चलो जी मैंने किया है, मैंने रन किया है, अभी करो। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप तो हमने लिया था कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इशू आती है तो हम इंस्टॉल करेंगे, तो क्या अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप भी मौजूद है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम पर वो डिज़ास्टर आता है कि हमारी जो डेटा है वो लॉस हो गई, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम वही ऑपरेटिंग सिस्टम को वही जो आप लोगों का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, उन्हीं के बैकअप से हम फिर से रिस्टोर कर लें। तो ये बात पॉसिबल है, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप अगर सिर्फ पॉसिबल करेगा उसका, हर चीज़ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सब हम टास्क का सुख होगा ना। बस दिल तक हो रही, ज़रा हम इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और देना बात चीक हम दें जैसा कौन अलग अदा बन रही है, दिल तक हो रही, दिल तक हो रहा था सक हो रही सकी हाँ बराबर। خدل تا چکم دے زدے دے ہوسٹ نیم چینج کوم چی ہوسٹ نیم زدے راوٹر ون ٹھیک شو کنا بیال دیم چی انیبل انیبل پاسورڈ سیسکو ٹھیک نا بیا چکم دے رازم دلتا
और इंटरफेस गिग 0x1 आईपी एड्रेस 211 255 000 नो शटडाउन या एग्जिट कई तरह लगता हूँ गल तो वही कई हर राउटर रिप या तो स्टैटिक राउटिंग हो गई नेटवर्क 10.0.0.0 और नेटवर्क वेलकम यू दें 2.0.0.0 और दाम एग्जिट कई और ब्याह वाली कई लाइन वी टी वाई 0x4 ब्याह नो लोकल लागे ना दे माया नो चलो पासवर्ड पासवर्ड क्या बोलते हैं नो पासवर्ड नो लॉगिन बिया प्रिविलेज लेवल 15 एग्जेक्ट लाइन कंसोल 0 पासवर्ड CCNA और द लॉगिन टाइम की वाला कंसोल वाले में हम पासवर्ड लगाओ ठीक ना और द एग्जिट कहीं और द राइट राइट सो कोई नहीं शिमा सवर करो बस ऐसी ऐसी कंफिगरेशन में को रेप टास वाले रेप में कंफिगर को टेलनेट टास वाले टेलनेट में कंफिगर को कंसोल पासवर्ड हम वाले कंसोल पासवर्ड को उनके मंगा दो वाले प्लस ठीक है सका ना کنسول پاسورډ هم نه دی ویلې زه دا به خیال دی اوس مخکې راشي دغه به مو وایو بیا بیرته خو که نور نه وي نو دا وګورئ لاین کنسول ته به راشئ نه دا پاسورډ ولیکئ سی سی این ای اور بیا چې کوم دی لاګین ٹھیک نه که نه یوزر ورسره جوړوئ نو هغه شانت یوزر نیم یا سین جوړ کړئ اور بیا لاین کنسول اور بیا چې کوم دی هغه تاسو په ډفرنٹ ډفرنٹ طریقو باندې کولی شئ هر څه نو کله ودامې سکرل دا می سیف کړل نن څو تاریخ دی 20 نو زبر راشم دلته بولی کوم چې کاپی رننګ کنفیګریشن یا سٹارټ اپ هم تاسو شې صحیح ده کنه پر سٹارټ اپ کې هم دا هر څه موجود دی وس کنه دا خبري موجود دی کنه ګورې تاسو دلته بولی کوي شو رن دا ګورې پاسورډ لګیدل دی سیسکو هوست نیم راوټر 1 دی بیا چې کوم دی دا په یو انټرفیس هم آی پی ته پدې بل هم آی پی اساین شوی دا ٹھیک ده دا د راوټر ریپ هم چلیدل دی ٹھیک ده بیا چې کوم دی په کنسول باندې پاسورډ لګېدل دی په وی ٹی وای باندې چې کوم دی هم دلته د پریویلیج لیول کنفیګر شوی دی مطلب چې ټیلنیټ کنفیګر دی په اگزیلری باندې بس تاسو څه کوئی وګه نه کوئی سمخ نه نشته او که تاسو ګورئ د شو سٹارټ اپ کی نو سیم خبر دی دلته اس میں بھی کوئی ڈیفرنس موجود نہیں ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ बैकअप हमने लेना है कॉन्फ़िगरेशन का क्यों क्योंकि किसी भी टाइम ये राउटर डाउन हो सकता है ख़राब हो सकता है तो फिर हमने फिर से अगर कॉन्फ़िगर करना होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा तो ये मैंने किया शो रनिंग या आप लोग यहाँ पे शो स्टार्टअप भी कर सकते हो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर दो कहाँ पे TFTP पे और फिर से मैंने से पूछा है कि जो रिमोट होस्ट है आपका एड्रेस क्या है उसका तो एड्रेस है 112 और कहा गया है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम कौन सा रखना है आपने तो मैंने कहा कि कन्फिग डैश 20 डैश 06 और 023 अच्छा ये एड्रेस मैंने गलत दिया है ना 112 तो है ही नहीं 10.0.0.2 है आप लोगों ने क्या करना है कॉन्फ़िगर रनिंग कॉन्फ़िग TFTP था और 10.0.0.2 है और फिर ये वाला नाम मेरे ख्याल से ठीक रहेगा
क्योंकि मुझे याद रहेगा कि मैंने इस दिन तक जो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो सारा का सारा है यहाँ पे। तो देखते हैं, काफ़ी हो गया है। ये 813 बाइट डेटा है, 3.02 सेकंड का टाइम लिया है, ठीक है, और 270 बाइट पर सेकंड काफ़ी हो गई है। तो रियल राउटर पे भी यही सेम कमांड्स है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा आप लोगों का, आप लोगों ने वेट करना होगा फिर, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये मैं ज़रा वेरीफाई करूँ कि मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ, ये लो, ठीक है ना। अब ना क्या हुआ है कि राउटर ख़राब हो गया है, राउटर डिलीट उस बस की। हाँ, कंट्रोल जेड। अब ना आप लोगों ने बाजार जाके एक और नया राउटर खरीद लिया है और वो आप लोगों ने अपने नेटवर्क में लगा दिया है। तो इसको हाँ, पीसी सा मतलब जब पीसी आवाज असलाना सेंट इसमें तो शोधमा तो उस तरह यार है, बस बस उम्र फॉर्म का। अब यहाँ से ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके ये इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस GIG 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.2.1 और 255.0.0.0 और नो शट डाउन। और यहाँ से आपने क्या करना है कि पिंग 10.0.0.2। तो ये हो गया है रीचेबल। अब काम अब खराब है होगा क्या, वो सब कुछ जो मैंने बैकअप लिया था वो यहाँ पे हो सकता है, मौजूद है आप लोगों के सामने? नहीं। तो अगर मैं उसी बैकअप को फिर से वापस यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो क्या होगा कि मैंने ये करना है अब के आप लोगों ने TFTP को अभी कॉपी करना है कहाँ पे, रनिंग कॉन्फ़िग पे, ठीक है ना। तो कहा के वही रिमोट होस्ट, तो वही 10.0.0.2 है, कहा के वो जो सोर्स फाइल है जिसको लाना है यहाँ पे नाम क्या है, तो नाम है कॉन्फ़िग डैश 20.06 और 23। डेस्टिनेशन फाइल नेम ये बिल्कुल यहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अभी क्या है, हाँ, खुद बखुद राउटर वन चेंज हो गया है। अगर मैं ना ये कर दूँ, ये देख रहा हूँ पासवर्ड सा CCNA, ये लो, फिर इनेबल सिस्को, अच्छा शो रन में देख लो आप लोग, सब कुछ मौजूद है यहाँ, वही रेप भी मौजूद होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर भी सिर्फ और सिर्फ एक रेप ही पड़ा है या स्टैटिक राउटिंग या टेलनेट SSH या जितना भी आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग और क्या पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये आप लोग ना VPNs तक चले जाओगे कि वो कॉन्फ़िगरेशन एक एक VPN को अगर आप लोगों ने MPLS VPN को अगर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है एक साइट पे तो आप लोगों को 3-4 दिनों तक वो टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, कि वो अब वही टेस्टिंग वही सारा सब कुछ करके और फिर 4 दिन बाद आपका राउटर डाउन हो गया है, ख़राब हो गया है। तो फिर आप लोगों ने फिर से वही करना होगा, 4 दिन डाउन टाइम आएगा, वो जो कम्युनिकेशन होगा उनका क्या होगा फिर। तो आप लोग ये कर सकते हो, इवन यहाँ पे जो उनसे IP एड्रेसेस हैं वो भी इंटरफेस पे असाइंड है, ठीक है। तो ये था कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप, सही शो। तो अभी आप लोग इस पे ज़रा ट्राई, एक चीज़ पे ट्राई करने लगा हूँ कि ये ना ये ब्रेक बटन पे, तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमने पढ़ना ही है और वो है पासवर्ड रिकवरी विदाउट डेटा लॉस, कि हमने पासवर्ड को रिकवर करना है लेकिन जो सी कॉन्फ़िगरेशन है
वो फिर से लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इस राउटर पे हमने पासवर्ड लगाया था, अच्छा ये तो अभी बुलाया है होम मोड में, ठीक है। मैं कोई एक नया राउटर ले लेता हूँ 2900 का ही, डल तक हो रही सारा, यहाँ यहाँ बस खबर ही ख़त्म। मैंने लिया है यहाँ पे लेट से एक 2900 का एक राउटर है जो कि सीरीज़ है 2911, सॉरी सीरीज़ हाँ 2911 है, मॉडल है 2900। अब ना मैंने क्या करना है कि यहाँ पे आके नो यहाँ पे इनेबल होस्ट नेम कॉर्बेट इशारा, इसके बाद इंटरफेस गिग 0x0 आईपी यहाँ पे है लेट से 111.255.000 नो शट डाउन इंटरफेस गिग 0x1.10.001.255.000 और नो शट डाउन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने इंटरफेस गिग 0x2 आईपी एड्रेस 20.111.255.000 और यहाँ पे भी नो शट डाउन, सही शो का ना। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कंट्रोल जी करके और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करना है, ठीक है। हर एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेसेस असाइन है, होस्ट नेम भी चेंज किया है हमने वही, चलो मैं कर देता हूँ कि फिर से कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आके इनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं सीक्रेट इंक्रिप्टेड किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे है लेट से सिस्को 1, फिर यहाँ पे आके लाइन कंसोल। अच्छा अगर हमने कंसोल पे पासवर्ड लगाना है तो किस तरह से लाइन कंसोल में आना है, आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड भी है सीक्रेट भी है, आप लोगों ने जो सा लगाना है आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है पासवर्ड और सिस्को 2, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने आना है लाइन विथ वाई 04 लाइन विथ वाई 04 और यहाँ पे पासवर्ड लेट से है सिस्को 3 और लॉगिन टाइम पे, और फिर क्या करना है कि यार या नो लॉगिन वही फिर से भी मसला बन रहा है नो लॉगिन, और यहाँ पे भी पासवर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आप लोगों ने क्या करना है कि नो लॉगिन नो पासवर्ड और प्रिविलेज लेवल 15 और यहाँ पे शो रन कर दिया, तो पासवर्ड भी है वही सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, आईपी एड्रेसेस भी है पासवर्ड भी है हर एक चीज़ मौजूद है यहाँ पे। अब ना ये राउटर जो एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर रहा था वो किसी भी वजह से चला गया और आप लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली है, ठीक है। और आप लोगों को एक मिनट में ना ज़रा इसका कर दूँ शो वर्जन, और आप लोगों को जो राउटर मिल रहा है वो मिल रहा है इस हालत में, ठीक है। आपने आके कंसोल पे पासवर्ड नहीं लगाया था मैंने,
लाइन कंसोल जीरो पासवर्ड सिस्को टू और फिर लॉगिन। अच्छा आप लोगों को इस हालत में राउटर मिल रहा है, क्या करोगे आप? वही बात फिर से आती है, बैकअप का नहीं पता आपको कि बैकअप लिया भी है कि नहीं लिया है। ठीक है, क्या आपने ये कहा कि चलो मैं तो पासवर्ड ब्रेक कर दूंगा, मैं तो पासवर्ड क्रैक कर दूंगा। ब्रेक और क्रैक के बाद आप लोगों का जो डेटा है वो बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। देख लो, एक होता है पासवर्ड ब्रेक करना या क्रैक करना, एक है रिकवरी। रिकवरी फैसला बड़ा गौर तो सकें। ब्रेक का मतलब क्या है कि सब कुछ ख़त्म करना है आप लोगों ने। ठीक है, जो डेटा होगा वो लॉस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रिकवरी आपने रिकवर करना है। ठीक है ना, तो पासवर्ड को आप लोगों ने क्या करना है, रिकवर करना है विदाउट डेटा लॉस। तो आप लोगों का जो टॉपिक है वो है पासवर्ड रिकवरी। क्यों पासवर्ड रिकवरी? क्योंकि हमने रिकवरी भी करनी है लेकिन कोई भी डेटा लॉस नहीं होनी चाहिए। खबर इम्पोर्टेंट टॉपिक, the most important topic. ممليكن غورګه پونه مله غوي ها ټایم مې در کوم د یو بار کوم تاسو لیکل وکړئ راوټر آن کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا آپ لوگوں کو ضروری ہے आगे जो ना पढ़ना है हमने, इसकी समझ नहीं आती तो आप लोग ये कंसेप्ट बिल्कुल वेस्ट हो गया आप लोगों का। हाँ जी बता दें, याद करवा दो जरा वो राउटर मेमोरी वाला टॉपिक याद करवा दो। जब आपका ना वो फर्स्ट डे था अभी भी मुझे याद है, फर्स्ट डे था या सेकंड डे? हाँ फर्स्ट सेकंड डे था आपका, पावर पॉइंट से मैं पढ़ रहा था, याद है? हाँ जी आप बता दें क्या क्या होता है ब्रेक पे, शायद हमें घुटता था, पोस्ट चलता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑल इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट चेक होता है, जिसमें पोर्ट्स, जिसमें हार्डवेयर मदरबोर्ड, पोर्ट्स, रैम, एनवी रैम, मेमोरी, ये सारा सब कुछ चल के फिर क्या होता है, ऑन नहीं होता ना, फिर वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, वो ओएस लोड कर देता है फ्लैश मेमोरी से उठा के, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से उठा के, नॉन वोलेटाइल मेमोरी से उठा के टेम्प्रेरी मेमोरी में लोड करना। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस चलता है जिसके बाद हमें ये चीज़ सामने नज़र आ जाती है। तो फिर क्या होता है, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में मसला है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में मसला है मतलब फ्लैश मेमोरी से नहीं उठाया
तो वहाँ पे फिर एक दूसरा नाम भी मैंने कहा था मिनी आईओएस, जिस तरह से मिनी आईओएस की जगह पीसी में क्या होता है बायोस, ठीक है ना। तो इसी तरह से वहीं से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के लोड कर देता है, ठीक है। दखबरी लगी हुई लिखी बस दर दर समझ सब जकल दर दल जब पुट स्टेप अगर स्लाइड था तब शेयर करी मु राउटर वाला जी कम दर बूटिंग बूटिंग बूट बूट प्रोसेस होता है। हाँ अच्छा, तो फिर ये होता है ना कि अगर हमने राउटर पे कुछ सेव किया है, ठीक है, मतलब राउटर को पावर ऑफ करने के बाद हमने सेव किया है कुछ भी, तो ऑन होने के बाद क्या होता है? वो होता है कि इंग्रेडिएंट से, हाँ, वो वही से चलता है, एक प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? अदावल नहीं खबर भी नहीं देगा ना, जो आप लोगों ने सेव किया है वो बूटिंग का प्रोसेस जो कंप्लीट होता है मिनी आईओएस ने सॉरी रैम से एनवीरैम से वो ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के वो रैम पे लोड किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि राउटर को सारे के सारे को अपने याददाश्त याद आ जाता है कि अच्छा मेरा होस्ट नेम ये है, मेरे इस इंटरफेस पर ये आई पी कन्फिगर हो गया था, तो वो सब कुछ लोड हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि हम इस चीज़ को बाईपास कर दें, ठीक है, क्या मतलब बाईपास? अगर हम देखें कि ये ना राउटर को मैंने किया है ऑफ और मैंने किया है ऑन, ये देख लो ये वो प्रोसेस चल रहा है, वही पोस्ट का वही रैम से एनवीरैम से रैम पे लोड होना वही सब कुछ चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपसे देख लो आपसे पूछा भी गया कि मेरे साथ डायलॉग करनी है आपने, तो आप लोगों ने कहा कि नो, और मज़े की बात यह कि हमने सेव ही नहीं किया था स्टार्टअप पे, देख लो, ठीक है ना। अब ये सेव करना चाहिए था हमें, तो तब हमारी बात ठीक होनी थी, वरना इस तरह से तो अच्छा। यहाँ पे इनेबल सीक्रेट, बस आगे प्रोसेस थे। अब ना अब ये करना है हमने कि ये कॉन्फ़िगरेशन को ना हमने क्या करना है, राइट, मैंने राइट किया है और स्टार्टअप में ये सेफ हो गया है। अब जब मैंने ये पूरी किस्सा अभी जो ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, तो अगर मैं राउटर को बंद कर दूं तो राउटर फिर से ऑन करने के बाद क्या होता है, ये सारी याददाश्त फिर वापस याद आ जाती है कि वो स्टार्टअप से उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन को भी स्टार्टअप में रख देते हैं। अब ऐसा कोई पैरामीटर तो भी होगा ना कि जो राउटर को बता रहा होगा कि आपका ये कॉन्फ़िगरेशन है या ये काम हो रहा है आप पे, और वो है क्या, अगर आप लोग ना यहाँ पे शो वर्जन करते हो ना, तो ये ना यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, ये वो पैरामीटर है जिस पे क्या होता है स्टोर नहीं होता, रजिस्टर वैल्यू होता हम मंगलवारी, ठीक था ना, और विच इज हेक्साडेसिमल, ठीक था ना, मतलब मतलब हेक्साडेसिमल सा मतलब शो हेक्साडेसिमल लिखा था हम 0x, और द 0x से अगर मैंने स्टार्ट लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये है हेक्साडेसिमल में, फिर ए बी सी डी। हेक्साडेसिमल हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो वो स्विचिंग में जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिर। अच्छा अब ना अगर ये इस तरह से मैं दे देता कि 0x2102 तो क्या होना था फिर, आप लोगों को कंफ्यूजन होनी थी कि ये 2102 है,
2102 है, लेकिन अभी ये 2102 नहीं है, इसकी बिट वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, आप लोग इंटरनेट से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक पेज लोड किया है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू है, तो ये ना अभी आप लोग देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है हमारी, करने दा इग्नोर ब्रेक बूट इनटू रोम इफ इनिशियल बूट फेल, इसका मतलब क्या है, बूट इनटू रोम इफ इनिशियल बूट फेल, इसका काम क्या है, याद करो अभी मैंने कहा है, नहीं 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 वो तो रजिस्ट्री वैल्यू का यही तो मैंने कहा कि रजिस्ट्री वैल्यू वही है, वही पैरामीटर है जो वो पुरानी यादाश्त वापस आ जाती है। अगर iOS फ्लैश में नहीं है तो वो आप जाके मिनी iOS से ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये भी है डिफरेंट डिफरेंट काम है, इग्नोर ब्रेक ये क्या है, इग्नोर ब्रेक, लेकिन ये 60 सेकंड बाद होता है, ठीक है। 60 सेकंड के अंदर अंदर आपका ब्रेक बटन काम करेगा, 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम तो आपका ब्रेक बटन फिर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर मैं अभी कहूँ यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो मैं ना अगर यहाँ पे कहूँ हमारा काम क्या था, मैंने ये कहा कि अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ अभी और ये मैंने सेव किया है ना, फिजिकल पे आप लोगों ने आना है और राउटर बंद, राउटर ये बूट चल रहा है अभी। अगर मैं इस प्रोसेस को देख रहा हूँ, सबर कम है, सबर प्रोसेस को सॉरी, और लाइन कंसोल जीरो पासवर्ड सिस्को टू और लॉग इन टाइम पे ये होना चाहिए, ये एग्जिट कर दो, डू राइट कर दो और लॉग आपके, ठीक है ना। तो ये ना ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है, ये वाला हमें क्या चाहिए, क्या हमें ना करना, हमने ये है कि डेटा भी लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टअप में है अभी, पासवर्ड किस मूड में है, पासवर्ड कहाँ पे मौजूद है अभी, मतलब राउटर बंद हो गया, राउटर ऑन होने के बाद ये पासवर्ड रैम पे मौजूद था या एनवी रैम, एनवी रैम पे मौजूद था, एनवी रैम से ये आता है फिर कहाँ पे, रैम पे आता है, ठीक था दाखबर हमको बिल्कुल ठीक पकड़ा। फिर अगर मैं कहूँ कि हम इस स्टेप को बाईपास कर दें, क्या मतलब है कि ये जो एनवी रैम से डेटा रैम पे आती है इसको हम बाईपास कर दें, तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है ना, खबर आप कोई। और बाईपास किस तरह से करना है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर या रजिस्टर वैल्यू से हम इसको बाईपास कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जो है वो यहाँ पे मौजूद है, हमारा जो टारगेट है वो आप लोग यहाँ से खुद बखुद देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मुझे ये रोम बूट ये देख लो, इग्नोर द कंटेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी को इग्नोर कर देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड वैल्यू क्या है, 0x2142 है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके राउटर को आप लोगों ने क्या करना है, फिजिकली ऑन करना है, तो शॉर्टकट्स हो कंट्रोल फंक्शन बी और ये कर दो आप लोग, और यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन बी, हम यहाँ पे आ गए हैं। ये चीज़ ज़रा नोट डाउन कर दे अपने नोट अपने अल्फाज में, ये लिख दिया, यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो कि ये ना यहाँ पे आप लोगों ने ना एक बात मैं अभी से क्लियर कर दूँ, पासवर्ड रिकवरी जो से स्टेप्स मैंने की है तो इस पर तो बिल्कुल भी आप लोगों ने रटना नहीं है, ठीक है ना। ये लिंक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा कि
कि ये रजिस्ट्री वैल्यू मैंने कहाँ से मिली है मुझे, आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, ये वाला लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। और ये वाला ना, ये असल में ये वाला जो है कैसे इसको पासवर्ड रिकवरी प्रोसीजर क्या है, ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ये फिजिकल हार्डवेयर आप लोगों के साथ होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, फिर वही स्टेप 1, 2, 3, 4 ये देख लो, ये हर एक चीज़ ना, अब मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने क्या करना है बोला। तो यार अब ना हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस ज़रूर हो सकता है इसमें। तो आप लोगों ने भी 2900 पे बिल्कुल, मैंने जो किया है वो भी आप लोगों ने ज़रूर 2900 पे ही करना है, बिल्कुल भी नहीं आप लोग 2500 पे कर दो। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, दो लिंक्स है, दोनों लिंक्स मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरह से काम नहीं करेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद आप लोगों ने एंटर करना है, और मैंने यहाँ पे कन्फ रिज, ठीक है, और यही कॉन्फिगर रजिस्टर यूटिलिटी, और वैल्यू क्या है, 0x0x और फिर है यार बढ़ेगा कहाँ पे है, 2124 ये बोले यहाँ वेरीफाई कमा यकीन में दरवानी निश्चर हो रहा 2142 ये हो। अब क्या करना है आप लोगों ने, हाँ न्यू पासवर्ड देते, पासवर्ड से कितना कम मूड देते दे, मूड तो खबर भी हो रहा था। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है वही पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो आप लोगों ने ये रिस्टार्ट कर देना है। फिर से आप लोगों ने क्या है, रीसेट, और रीसेट के बाद कंट्रोल इफिन क्वेश्चन मार्क कन्फ रिज 0x2124 और यहाँ पे कर दो आप लोग रीसेट। बताओ सॉरी वाई मजहून हो क्या, हम भी अगर खतर हो कहीं कमरा उमन हो दगा उमन हो ये वही 2142 बल वही 42 अली भी ब्याह तमाशा कही थी कल खराब शिवी दगा ना उदा हो। अच्छा फिर से वही डायलॉग, तो नहीं डायलॉग नहीं मुझे चाहिए, या पे पासवर्ड गया, पोस्ट नेम भी चेंज हो, मैंने एक तो कहा था कि डेटा लॉस नहीं होनी चाहिए, फिर ये क्या है, डेटा लॉस हो गई है ना। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग देख सकते हो, राउटर नुम राउटर वन नुम शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ जी। अब लेकिन हमने क्या किया है वो ज़रा सोचो, हमने बाईपास किया है किसको, शो रनिंग में देख लो कुछ है, पासवर्ड्स कुछ हैं नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे शो स्टार्टअप कर दूँ तो फिर यहाँ पे होस्ट नेम भी मौजूद हैं, यहाँ पे पासवर्ड भी मौजूद हैं, यहाँ पे कंसोल का पासवर्ड भी मौजूद, ये देख लो आईपी एड्रेसेस भी मौजूद हैं, और यहाँ पे कंसोल पे भी पासवर्ड मौजूद हैं, और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप लोग इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। डिफरेंट डिफरेंट कीज़ मौजूद हैं, डेपीएलमेन एल्गोरिथम मौजूद है, आरएसए एल्गोरिथम मौजूद है, जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट। लेकिन आसान काम क्या है आपके ख्याल में, आसान काम क्या होगा, बाईपास, बाईपास जो एक और बनाना है बाईपास था ख्याल में, हाँ ये आसान काम है आपके नज़र में, देयर स्मार्ट किया
bypass sa bypass kan tar sadu kuva irunu nor bhai bypass wala step pass in the show ye samjhidam bypass ye to aapne jo startup se volatile memory ko sir bypass ke volatile memory ko load nahi hua hamara data to volatile memory ko load kar bypass kar do fir to wahi maine jo abhi pura kis load nahi hua na aapne to load volatile memory se bypass kar diya chalo mujhe na ठीक है वो बता लो हमने मैंने बाईपास किया ठीक है अब अगर ये फिर से बाईपास मैं एनवी रैम पे मैं लोड कर दूंगा तो मुझे ये इस पासवर्ड का किस तरह से पता लगेगा और अगर मुझे पता लगाना है तो मुझे एल्गोरिथम्स की वो अच्छी बड़ी नॉलेज होनी चाहिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का बहुत मुझे वो होना चाहिए हाँ ठीक है वेबसाइट ही करेगा लेकिन फिर भी वेबसाइट जानने के लिए भी तो मुझे कोई नॉलेज चाहिए ना तो मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ डिक्रिप्ट करने के लिए देख लो ये वाला ना ये जो जगह है ना या ये जो स्टेप्स हैं इसमें आप लोगों ने इस चीज की ख्याल रखनी है कि आप लोगों ने यहां पे आना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल और आप लोग ये लिख लो नो Enable secret क्या ख्याल है आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का वेरीफाई कर दे जरा शो रनिंग में तो वैसे भी नहीं है ना स्टार्टअप में था ये देखो मौजूद हैं अब ये तो तब नहीं होता ख़त्म जब हम इसको क्या कर दें या यहाँ पे आके ना हम ये कर दें तो ख़त्म हो जाएगा हाँ यार राइट कर दे मैंने एक टास्क परफॉर्म किया है ठीक है वो सेव करने के बाद खुद ब खुद बाई डिफ़ॉल्ट तो स्टार्टअप से अभी तक कुछ स्टार्टअप में गया है या ख़त्म हुआ है राइट करने के बाद नहीं ना तो इसके लिए अगर आप लोगों ने ये ख़त्म करने के बाद सेव किया ना तो वही दिन आप लोगों की आखिरी दिन है उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों क्योंकि राउटर में जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है पासवर्ड तो आपने रिकवर कर दिया है लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन का भी आपने मदिया मैच कर दिया है तो क्या करना है आप लोगों ने फिर से यहाँ पर आना है और कन्फिगर रजिस्टर और इसका रजिस्टर नंबर क्या था 0x2102 214 210 अगर मुझे नहीं याद तो मैं यहाँ से ये वेरीफाई कर सकता हूँ बिल्कुल ये वाला था 2102 ठीक है और यहाँ पे आप लोग एंटर कर दो और ये फिर इसके बाद आप लोग लो डू राइट अच्छा और जो दूसरा चीज़ है यहाँ पे वो कंसोल पासवर्ड वो तो नज़र आ रहा है ना सिस्को 2 इसको भी आप लोग डिलीट कर सकते हो इसको भी डिलीट करने के बाद आप लोग क्या कर दो डिलीट कर दो और फिर कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू चेंज कर दो और फिर आप लोग क्या कर दो सेव कर दो ठीक है तो ये मैंने डू राइट किया है और डू राइट करने के बाद अभी चेंज आ गया है चलो देख लेते हैं ना शो रन पोस्ट नेम वही है आईपी एड्रेसेस भी नहीं है कंसोल पे पासवर्ड भी नहीं है धोखा है सिर्फ फिर शो स्टार्टअप यहाँ से तो ख़त्म हो गया है अब आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छा होस्ट नेम मैंने क्यों वो चेंज नहीं किया था नहीं वो मैंने टू राइट गलत जगह पे किया है फिर से इससे पहले आप लोगों ने क्या करना था आप लोगों ने वो कॉपी पेस्ट करना था खैर है कोई बात नहीं नो इशू गलती फिर से स्टार्ट लो इनेबल सीक्रेट सिस्को 1 2 3 ठीक है फिर लाइन कंसोल
04 line console 0, यहाँ पे पासवर्ड क्या होगा, सिस्को 1 या सिस्को 4 हो गया है, किस टाइम पे, लॉगिन के टाइम पे एग्जिट कर दो, होस्ट नेम भी चेंज कर दो, होस्ट नेम क्या हो गया है, राउटर 1, इंटरफेस गिग 0x0, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255000, नो शट डाउन, इंटरफेस गिग 0x1, आईपी एड्रेस 2111 255000, नो शट डाउन, इंटरफेस गिग 0x2 और आईपी एड्रेस 3111 255000, एग्जिट कर दो, इसको सेव कर दो, सेव करने के बाद लॉग आउट कर दो, ये ठीक है। और यहाँ पे ये फिजिकल राउटर और ये सब कुछ तो हो गया है, आप लोगों ने क्या करना है, ब्रेक करना है और यहाँ पे कॉन्फ रजिस्टर और 0x2142, ठीक है, और फिर से रीसेट, और रीसेट करने के बाद क्या हो गया है कि अभी लोड हो रहा है, तो ये गई ना उस रिविजन दे आप कहना चाहिए वजह कि मसवाई थी ज़्यादा स्पीड दे। और इसके बाद नो डायलॉग हमने नहीं करनी, यहाँ पे इनेबल, यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे नो सीक्रेट, नो इनेबल सीक्रेट, ठीक है। और फिर हमजा तो हुआ है हम, कॉन्फ़िगर रजिस्टर 0x2102 इंटर, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके वेरीफाई कर दो ज़रा सा, शो स्टार्टअप तो मौजूद है, यहाँ पे बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, और एक मिनट, ठीक है, कि स्टेप से आगे कौन सा स्टेप आता है, बोला कि इनेबल सीक्रेट सिस्को, ये हो गया है एंड, अच्छा ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ना असल हमने ना ये किया है कि अगर मैं भी यहाँ पे शो स्टार्टअप कर दूँ तो मौजूद है यहाँ पे, तो वही कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए ना, आप लोगों ने करना है कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू, मैंने क्या किया है 0x2102, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ये नहीं होना चाहिए बस। अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी, सबसे पहले स्टार्टअप को आप लोगों ने करना है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और ये देख लो आ गया है ना राउटर से, हो गया है R1 पे चेंज, और अभी यहाँ पे शो रन कर दो आप लोग तो सीक्रेट अभी भी मौजूद है, और ये इसलिए मौजूद है कि वही मसला हमने फिर से किया, ठीक है ना, वही रजिस्टर नंबर ना, ये इस वजह से अभी भी वो मसला दे रहा है, तो फिर से ट्राई कर देते हैं, हाँ।
डिप्लॉय ना शुमार कर दी। अब ये कर दो राइट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक मिनट, कॉन्फ़िगर रजिस्टर 0x2102 और ये कर दो डू राइट। पासवर्ड रिमूव नहीं हुआ है तो ये अभी पैकेट ट्रेसर में या तो पैकेट ट्रेसर इशू है या जमा इशू था। कॉन्फ़िगर रजिस्टर 0x2102 दे एंटर एग्जिट और राइट और शो बस इंक्वायरी हो गई। नो 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 सॉरी 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 सॉरी। और इसके बाद आप लोगों ने करना है री राइट वही है सर लोड और तो एक बहुत ही मुख्तो का ना अभी अभी ठीक है तो ये पासवर्ड हम कितने उस वो सिस्को 2 होगा ना इसको तो हमने डिलीट ही नहीं किया है तो सिस्को 2 एनेबल बस ठीक है इंशाल्लाह कल देख लेंगे। अभी हुआ पैकेट ट्रेसर पे तो फिर GNS को ही कर देंगे लेकिन कल आप लोगों ने जरूर हां देखिए बबल क्लास में देख क्लास की बेवा हम से दिया था कल इंशाल्लाह हमने ये और जो दूसरा टॉपिक है उसी में भी मसला आएगा पैकेट ट्रेसर में कभी मैंने ट्राई ही नहीं किया है कि वो होगा भी कि नहीं तो इंशाल्लाह हमारे रब बनता हूं कल इंशाल्लाह आप लोगों ने क्या करना है सब ये अच्छा ये ना ग्रुप में रिगार्डिंग स्टाफ का